नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख 27 अगस्त 2023 और यहां पर 28 अगस्त 2023 के लिए मंडे के लिए सोमवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया, जिसके लेवल में यहां पर बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा, सिलेक्शन रीजन के साथ ही बाय लेवल और सेल लेवल भी बताऊंगा, लेकिन कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। साथ ही अगर पटना मीटअप प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं, तो 6 सितंबर 2023 से पहले आप मुझे मेरा आपका नंबर और अपना नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195 पर, यानी कि आपको मैं अपने डायरी पे नोट कर लूंगा और फिर पटना मीटअप प्रोग्राम जब मैं पटना में जाऊँगा 9 से 10 सितंबर को मेरा प्रोग्राम वहाँ पटना में प्रोग्राम है, मैं एक बेसिकली वहाँ पे स्टे करूँगा। तो फिर आप लोगों को मैं कॉल करके आप लोगों को एड्रेस बता दूंगा कि कहाँ पर आपको किस होटल में आना है मिलने के लिए। तो आप 6 तारीख से पहले अपना नाम मेरे डायरी में नोट करवा लीजिए। चलिए शुरुआत करता हूँ 3 स्टार वीडियो का। सबसे पहला स्टॉक जो सिलेक्शन किया है एशियन पेंट, आप देख सकते हैं। सिलेक्शन रीजन समझेंगे। देखिए, ये बड़े प्राइस का शेयर है, इसके बाद छोटे प्राइस का भी शेयर मिलेगा, लेकिन आपको बड़े प्राइस और छोटे प्राइस पे दिमाग नहीं लगाना। आपको दिमाग लगाना है कि आखिर यही स्टॉक क्यों, सिलेक्शन रीजन इसका क्या है। तो सिलेक्शन रीजन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 6 7 8 9, ये पूरे 9 दिन का एक ब्रेकआउट किया है डेली के चार्ट पर, और नीचे वॉल्यूम भी आप देखिए कैसे बढ़ रहा है, जबरदस्त इंक्रीज हो रहा है, और एक ब्रेकआउट करके ना क्लोजिंग भी कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट, एक रेंज को ब्रेक करता हुआ सस्टेन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। इसलिए अगर आपको बाय करना है एशियन पेंट को तो जरूर बाय करिए 3265 रुपए के ऊपर, बाइंग एवं 3265, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 3250 रुपए का 3250 का, और जो टारगेट होगा यहाँ पर वो 3280 रुपए का होगा 3280, दूसरा टारगेट 3295, 3295, और तीसरा 3310 रुपए 3310 का टारगेट ले सकते हैं। अगर ये सेल साइड जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो सेल करेंगे 3245 के नीचे, सेल बिलो 3245। जो स्टॉप लॉस होगा वो 3260 3260 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा पहला वो 3230 रुपए का होगा 3230 का, दूसरा 3215 3215, और तीसरा 3200 3200 रुपए का जो राउंड नंबर का वो होगा। ये है एशियन पेंट सिलेक्शन रीजन, बिल्कुल इस बॉक्स के ऊपर जाके ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सेलेक्ट कर लिया है। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करते हैं। तो ये पहला स्टॉक है एशियन पेंट। अब बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक का आपको 15 मिनट के चार्ट पर आना है, और 15 मिनट के चार्ट के बजाय आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न में फंस गया, नजर आया जी। तो बियरिश फ्लैग पैटर्न की वजह से इंडसइंड बैंक का सिलेक्शन हो गया, एकदम इसको कहते हैं बियरिश फ्लैग, ये पोल हो गया और ये उल्टा झंडा हो गया। तो अगर बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करता है 1407 रुपए के ऊपर तो बाइंग करेंगे, बाय 1407। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में वो 1400 रुपए का लेके आप चल सकते हैं 1400 का, और जो टारगेट होगा पहला बाय साइड में वो 1414 रुपए का 1414, दूसरा 1421 1421, और तीसरा 1428 रुपए 1428 का रहेगा। मान लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और सेल साइड चला जाते हैं तो हम सेल करेंगे 1394 रुपए के नीचे, सेल बिलो 1394, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो हमारे पास होगा 1401 1401 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला वो होगा हमारे पास 1387 रुपए 1387, दूसरा टारगेट 1380 1380, और तीसरा 1373 रुपए 1373 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है दोस्तों, तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉक को सेल करके चल सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टॉक है इंडसइंड बैंक। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, लेकिन उसके पहले बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। चलिए अब तीसरा स्टॉक है आपके लिए बजाज फिनसर। बजाज फिनसर भी सेम सिलेक्शन रीजन है, जिस तरह से एशियन पेंट को सिलेक्ट किया गया उसी तरह से बजाज फिनसर को भी सिलेक्ट किया है। एक डेली के चार्ट पे जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ एक वॉल्यूम के साथ में, अगर इसको ये कंटिन्यू करता है तो एक मूवमेंट अपसाइड के भी बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, बाइंग करेंगे 1510 रुपए के ऊपर, बाय अबव 1510, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 1503 रुपए का होगा 1503 का, जो टारगेट होगा वो 1517 1517 रुपए का, दूसरा टारगेट 1524 1524 का, तीसरा 1531 1531 का होगा।
मान लीजिए इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ गया और ये गिरावट का शिकार होता है, तुम लोग सेल करेंगे 1498 रुपए के नीचे, सेल बिलो 1498, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1505 रुपए 1505 का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे पहला वो 1491 रुपए का 1491 का, दूसरा टारगेट होगा 1484 रुपए का 1484 का, और तीसरा टारगेट हो जाएगा हमारे पास 1477 1477 रुपए का 1477 का। ये है बजाज फिनसर्व तीसरा स्टॉप। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो वीडियो और एनालिसिस पसंद आओ जरूर फीडबैक करें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट कॉल के लिए, और पटना मीटअप प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम मेरे व्हाट्सअप नंबर 8709652195 पर 6 सितंबर 2023 से पहले भेज दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत।